गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट क्लास। कल जो क्वेश्चन नंबर टू था, आई थिंक एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर टू, नॉट 2.2 का जो लास्ट क्वेश्चन था शायद, उसमें जो मिल्क का रेट था वो 45 था बुक में, और शायद गलती से मैंने 15 लिखा है, तो उसको आप सही कर सकते हैं। अगर बुक में 45 है तो जो क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया उसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा, और फिर 45 वाले के अकॉर्डिंग फिर से आप उसको क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ सेम क्वेश्चन वही है, सिर्फ 45 की जगह पे हमने 15 लिखा था, वहाँ आप 45 करके मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 2.3, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज अ 1, कैन वी से दैट वन ऑफ आर बोथ देम विल बी 1, जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल। कह रहे हैं कि अगर दो नंबर्स के प्रोडक्ट, दो होल नंबर्स के का प्रोडक्ट अगर 1 है, तो कैन वी से दैट वन ऑफ आर बोथ देम विल बी 1, तो उन दोनों में से क्या दोनों एक 1 हो सकते हैं या कोई एक, जस्टिफाई थ्रू एग्जांपल। तो इफ ओनली वन नंबर बी 1 देन प्रोडक्ट, अगर कोई एक नंबर 1 होगा तो प्रोडक्ट हमेशा जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर होगा। जैसे 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आया, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आया। इफ बोथ 1 देन द प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट इज 1, अगर दोनों नंबर 1 होगा, 1 × 1 तो 1 × 1 = 1, तो प्रोडक्ट हमेशा 1 होगा। फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, आपको मल्टीप्लाई करना है, फाइंड द प्रोडक्ट यहाँ पे होगा, यहाँ फाइंड के बाद प्रोडक्ट होगा, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो सेक्शन बी और सेक्शन डी हमने कराया है, ये दोनों क्वेश्चन हमने कराया है, और बाकी जो बचे हुए सेक्शंस हैं ए सी और ई, ये आपका होमवर्क है। 5000 सेक्शन बी है, 5437 मल्टीप्लाइड बाई 1001, तो 1001 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आपको पता है कि अगर 1000 में हम 1 को ऐड करेंगे तो 1001 हो जाएगा, तो उसी को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ये बी प्लस सी के फॉर्म में हो गया, और हमारा ए जो है वो 5437 है, तो अब ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5437 मल्टीप्लाइड बाई 1000 प्लस 5437 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद 30 और ऐड हो जाएगा 5437 में, और इसका 1 टाइम्स करेंगे तो उतना ही आएगा, इसको प्लस कर देंगे तो इतना आंसर आएगा। ये हमारा आंसर है फाइनली। नेक्स्ट इसका सेक्शन डी जो है वो ये है, 4275 मल्टीप्लाइड बाई 125, तो 125 को यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 100 + 20 + 5। अब ये हो जाएगा आपका, अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा ए 4275, ये हमारा ए हो गया, और ये बी, ये सी और ये डी, ए इंटू बी प्लस सी प्लस डी, तो इज इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी प्लस ए इंटू डी, ए इंटू बी, ए इंटू सी एंड ए इंटू डी। तो ए से हम मतलब 4275 से 100 को मल्टीप्लाई करेंगे इतना आएगा, 20 को मल्टीप्लाई करेंगे इतना आएगा, और फिर 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना आ जाएगा, इन तीनों को हम प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 534375। नेक्स्ट है स्टडी द पैटर्न, पैटर्न आपको देखना है 1 × 8 + 1 इज इक्वल टू 9, और 1 की जगह पे 12 हो गया, मतलब 1 के साथ 2 ऐड हुआ तो ये हुआ 12, ऐड नहीं हुआ मतलब 1 के बाद 2 आया तो ये 12 हुआ, इंटू 8 से अभी भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे 1 प्लस हुआ था तो यहाँ पे 2 प्लस होगा, मतलब यहाँ जो 1 के साथ जुड़ेगा नंबर वही वहाँ पे प्लस होगा। तो अगर ऐसा हम करते हैं तो यहाँ 9 था तो इसके साथ 8 जुड़ के मतलब 98 हो जाएगा, तो वैसे ही यहाँ पे 3 इसके साथ जुड़ेगा तो 123 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 प्लस हो जाएगा तो वो हो जाएगा 987, मतलब 9 से 8 हुआ, 8 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद फिर 6, 6 के बाद 5, तो इस तरह से ये पैटर्न बढ़ रहा है। आप यहाँ पे देखिए, फिर आपसे कह रहे हैं राइट द नेक्स्ट टू स्टेप्स, कैन यू से हाउ द पैटर्न वर्क्स, तो इसका दो स्टेप हमने यहाँ पे लिखा है, अब आइए देखते हैं कि पैटर्न हमारा वर्क कैसे कर रहा है।
वन से एट को मल्टीप्लाई किए प्लस उसमें वन ऐड किए तो क्या आया, नाइन। अब वन के साथ हमने टू जो है वो कनेक्ट मतलब जोड़ दिया तो ये हो गया 12। और वन जहाँ पे हमने यहाँ ऐड किया था उसकी जगह पे जब यहाँ टू हुआ तो यहाँ पे भी टू ऐड हो जाएगा, तो अब ये हो जाएगा 98, मतलब नाइन के बाद नाइन से छोटा 8। फिर 123 हुआ ये, फिर यहाँ पे 3 ऐड होगा, जब यहाँ पे 3 हुआ तो यहाँ पे भी 3 होगा, और जब यहाँ 2 हुआ था तो यहाँ 1 डिजिट माइनस हुआ था, और यहाँ 3 होगा तो यहाँ 2 डिजिट माइनस हो जाएगा, मतलब 9 से 2 डिजिट या 8 से 1 डिजिट, तो ये हो जाएगा 7। इस तरह से ये जब ये 1234 होगा तो यहाँ पे 4 ऐड होगा, तो ये 7 था तो यहाँ 6 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा पैटर्न जो है वो बढ़ रहा है। अगर इसमें आपको प्रॉब्लम होती है तो मैं फिर से पूछिएगा, या आपको सस्पेंस होता है तो व्हाट्सएप करिएगा, मैं वहाँ पे बताऊँगा, नहीं तो फिर अगली एक वीडियो और इसके लिए बना दूँगा। थैंक यू। आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 4 के जो बचे हुए सेक्शंस हैं उनको आप सॉल्व करिएगा।